कहाँ करते हो, मेरी तारीफ इतनी नहीं करते हो। देखो गाइस, मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ, लेकिन इनके मुंह पे भी करता हूँ, पीठ पीछे तो हमेशा बुराई करता हूँ। सुसु पॉटी बच्चों के लिए मैं नहीं करा पाता। तो इन्होंने एक बार कहा मुंह ही फूलेगा, अब तुम देखना, अब तुम्हें शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। मत मिले, हम खिचड़ी बना लेंगे, हमें खिचड़ी बनानी आती है। ठीक है ठीक है, चलो। ये देखो मेरी रोटी फूल गई। ये मेरी रोटी फूल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आपका स्वागत है नए नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ में ये टमाटर और ये प्याज क्या कर रहा है। एक्चुअली आज मुझे भेज दिया गया किचन में, और किचन में क्यों कि आज आप दाल का तड़का मार के दिखाएंगे और कुछ आज मैं इनका टेस्ट ले रही हूँ। ये वैसे मतलब मुंबई में रहते थे तो कुछ टाइम के लिए अकेले थे, मैं यहाँ आ गई थी घर पे। और वैसे भी जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो ये बहुत तारीफ करते थे, आरती मैं दाल चावल बहुत अच्छा टेस्टी बना लेता हूँ और भिंडी पराठा बहुत अच्छा। भिंडी पराठा का तो सुनो, भिंडी पराठा का डेमो मैं मुंबई में देख चुकी हूँ, दाल चावल का डेमो मुझे आज देखना है, तो इसलिए मैंने काम पे आया। कहा कि आप दाल मत छौके और नहीं मैं दाल में तड़का वगैरह कुछ ना लगाए, लेकिन जो कुछ है वो मैं करूँगा। आज रोटी भी बनाऊंगा और दाल चावल तो बनेंगे मेरे फेवरेट, तो मैं दिखाऊंगा कि दाल में तड़का कैसे लगाते हैं। क्योंकि मैंने मुंबई में ये काम बहुत किया, जब मैं मुंबई में रहता था, जब मेरा स्ट्रगल टाइम का पीरियड था, जो भी एक्टर्स थे, जो भी हमारे फ्रेंड थे, वो बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते थे, उसमें सबका काम डिवाइड था कि मेरा काम डिवाइड था कि मुझे दाल बनाना और तड़का लगाना और चावल बनाना, आटा गूंदने का भी काम तुम्हारा ही था सर। यार वो बहुत आलस करते थे आटा, इनके साथ जो इनके फ्रेंड्स थे, इतना नाटक करता था आटा गूंदने में। एक अंकल थे, नहीं अंकल नहीं थे, एक निमेश था, वो तो आटा बहुत जल्दी गूंद के रखता था, इतना सारा पानी डालता था उसमें एक साथ में। लेकिन खैर वैसे वो बात हो गई पुरानी, अब हम आते हैं अपने घर पे। और आज मैं अच्छे अच्छे मतलब एक टमाटर और प्याज लूंगा दाल का तड़का लगाने के लिए, और मेरे सामने है धनिया और सिर्फ एक छोटी सी हरी मिर्च। तो हम देखते हैं, क्योंकि मिर्च कोई ज्यादा खाता नहीं है हमारे यहाँ, पर खा के दिखा नहीं थोड़ी। एक दिन इसका भी चैलेंज करेंगे, देखेंगे कौन कितनी हरी मिर्ची खा सकता है, और वो चैलेंज तुम्हारा और मेरा दोनों का साथ होगा। ऐसा लग रहा है तुमने बहुत तीखी मिर्च खा रखी है, तभी इतना तीखा बोलती हो, समझे? तो पहले कट कर लेते हैं ये सब। इससे नहीं कटेगा, दूसरे चाकू ले लो। वो दूसरा चाकू, अब मैंने चाकू कर लिया चेंज, अब ये छोटे वाले चाकू से काटूंगा। ये भी काम नहीं कर रहा है। ये वाला काम कर रहा है वो। मुझे इतने चाकू चेंज करने पड़ रहे हैं, कुछ पूछो नहीं। ये काम सही से कर रहा है। बस आधा ही प्याज रखो। क्यों? पूरा ज्यादा हो जाएगा ना। पूरा ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में वो जादू नहीं रहा जो बहुत पहले रहा करता था। मुझे इतना टाइम लगा ये सब काटने में। चलो, अब तक मेरी दाल भी बन छौक गई होती। वो तो पता है। ये देखिए आप। आज मिल जाएगा हमें खाना? मिल जाएगा। बता दीजिए कितने टाइम में आप हमें दे सकते हैं खाना। अच्छा मुझे खाना बस छौकने में बारी है, फिर मैं रोटी बेलूंगा और देखता हूँ कितनी जल्दी ये काम कर लूँ। वैसे मैं रोटी बहुत गोल बेलता हूँ, बहुत अच्छी बेलता हूँ, अभी देखना। मुझे लग रहा है मुझे टाइमर लगा लेना चाहिए, टाइमर से पता लग जाएगा ना। टाइमर क्यों लगाओ? मैं टाइमर लगाता तुम्हारे खाना बनाने में? वाह भाई वाह, क्या बात है। तो मेरे खाने में भी टाइमर लगा लेना ना। नहीं, जिस हिसाब से आपका प्रोसेस चल रहा है ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है। इन्हें कितनी चीजें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। बीच वाली वो सबसे बड़ी है।
किससे छौंका मारोगे? देसी घी से। देसी घी का? ओ देसी घी का, तो यही देसी घी है फिर। एक चम्मच घी, वो भी देसी का यार, देसी घी है ये। जीरा ढूंढने टाइम तो लगेगा, मैं किचन में थोड़ी रहता हूँ। और डालते हैं हरी हरी मिर्च। हाँ। प्याज को थोड़ा भूनने देते हैं जब तक वो थोड़ा ब्राउनिश ना हो जाए तब तक। अब थोड़ा भुन चुका है, अब थोड़ा सा और बाकी है और थोड़ा सा मैं चला देता हूँ इसे। अगर हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल लें तो थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा, मालूम है? इसमें थोड़ी हींग डालेंगे ना तो स्वाद बदल जाएगा। देखो अब मिलेगा आपको हींग का स्वाद। देखिए बताओ क्या डालता हूँ? क्या डालता हूँ? प्याज नहीं, सॉरी, अब टमाटर डालता हूँ। यार मेरे 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 शब्दों पे क्यों जा रही हो? अल्फाज, आपके अल्फाजों पे जा रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मेरे मेरे जज्बातों पे जाओ। वैसे ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ, तुमने कहा था आज बना के खिला तो बना के खिला रहा हूँ। वैसे कोई मेरा मकसद नहीं है, मैं एक्चुअली मैं बना लेता हूँ जब मैं बनाना इसलिए नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने बनाने लगा तो फिर कल से मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है कि आज का खाना तुम ही बनाओगे। क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें सच बताऊँ कि सुसु पॉटी बच्चों के लिए मैं नहीं कराता था। तो इन्होंने एक बार कहा कि तुम कराओ, तो मैंने कराने लगा। फिर एक दो बार वो कराई, फिर उन्होंने कहा यार ये तो करा लेता है, तो वैसा करता हूँ नीचे करवा के। सुसु पॉटी करा दो, सुसु सुसु करा दो बच्चों। अच्छा जब मैं बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तब तो कहूँगी ना कि हाँ करा दो, उसमें क्या है, तो पापा नहीं हो? इसीलिए मुझे डर लगता है कहीं जिम्मेदारी मैंने खाने की भी ले ली, खाने ही ना बना ले लगूँ मैं कल से यार, समझे? अब वो टाइम चला गया कि हाँ पापा लोग नहीं कर सकते हैं, पहले के पापा नहीं करते। तुमने देखा था एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, कौन सा किसका एड है, एड बनाया है, हाँ पैम्पर्स का एड आया है, उसमें उसमें देखना कि यू यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले का टाइम अलग था कि पापा लोग सपोर्ट नहीं करते थे बच्चों को। लेकिन मैं तो करता हूँ। हाँ तुमने बहुत सपोर्ट किया है, तुम अगर नहीं तो, होते तो, देखो मैंने सब कुछ किया, सपोर्ट किया, लेकिन तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ भी नहीं निकलती, ऐसा क्यों? नहीं मैं तुम्हारे सामने नहीं कहती हूँ ताकि तुम मतलब तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बोलती मेरे सामने अगर तारीफ करोगी मेरे मुंह पे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं मेरे को कभी नहीं पाल पाती। मैं ना तारीफ का बहुत भूखा रहता हूँ, और खासतौर अगर वाइफ अगर हस्बैंड की तारीफ कर दे तो उससे अच्छी बात ही क्या है। कहाँ करते हो, मेरी तारीफ इतनी नहीं करते हो? देखो गाइस मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ, लेकिन इनके मुंह पे भी करता हूँ, पीठ पीछे तो हमेशा बुराई करता हूँ। नहीं मैं पता है, मैं हमेशा मतलब मैं इनके सामने तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पीछे जितने भी मेरे तो मेरे पीठ पीछे ये देखो विलन की एंट्री हुई। मेरे मैं ये मेरे पीठ पीछे हमेशा मेरी अच्छाई करते, लेकिन मैं पीठ पीछे क्या हमेशा तुम्हें बुराई करते हो मेरी। ये देखो अब तुम्हारे चक्कर में मालूम है मेरा चाकू ना लग गया है। सॉरी ऐसे कर रहा मुझे काना वाना कर दो क्या? नहीं यार ऐसे नहीं है, कैसी बातें कर रही हो यार, चक्कर में जल भी गया मालूम है तुम्हें। या दाल का तड़का यार, ये आवाज क्यों नहीं आई झुर्रों से? होती है ना क्योंकि उसमें टमाटर पड़ा होता है ना, तो कभी आवाज नहीं आती है। अच्छा यार मुंबई में हम छौका लगाते तो झुर्रे से आवाज आती थी, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें टमाटर पड़ा हुआ है ना, टमाटर वहाँ भी डालते थे हम। डालते थे? अच्छा। यहाँ कुछ नकली उकली है क्या? इसमें एक मुट्ठी भर के धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बदल जाता है। ये ले अब बारी है मेरी रोटी बनाने की। अब मैं ना रोटी ना बहुत गोल बनाता हूँ, अब ये इन्होंने एक दिन बिलीव नहीं किया कि मैं रोटी गोल भी बनाता हूँ। अब मैं आपको गोल बना के दिखाता हूँ मेरी रोटी गोल, मैं बताऊँ तुमसे भी ज़्यादा रोटी गोल मेरी रहती है। ये देखो अरे वाह, रोटी तो मुझसे नहीं घूमती है। आप देखो है ना रोटी गोल, अब ये रोटी फूलेगी भी, फूलेगी कैसी मैं बताता हूँ।
ये देखो मेरी रोटी फूल गई, ये मेरी रोटी फूल गई, जल जाएगी, जल जाएगी, नहीं जलेगी, जल गई, इतनी खुशी होगी कि वो जल गई। अब तो तुम मान गई होगी कि मैं रोटी बना लेता हूँ ना। हाँ, अब आगे से तुम ही बनाने वाले हो। नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, वो तो मैंने आज बनाया है यार, ऐसा थोड़ी होता है। लाओ भैया अपने बच्चों को खिला दो, जल्दी से भूखे हो रहे हैं बच्चे। रुक जाओ एक रोटी और बना दू फिर। गाइस देखा आपने मेरी रोटी फूल गई, अब मैं पूरी रोटी बना लेता हूँ। एक एक रोटी मेरी फूलती है और ये कहती थी तुम्हारी रोटी, तुम रोटी नहीं बना सकते, तुम्हारी फूल नहीं सकती, ये मुझे, मैंने इनकी नहीं फूलती लेकिन मेरी फूल जाती है, मुझे मालूम है ये कैसे फुलाया जाता है। तुम इतने सालों से रोटी बना रही हो तब भी तुम्हें फुलाना नहीं आ रहा। ओहो अब ज्यादा ना बनो। अरे ज्यादा नहीं बनो क्या, इतने दिनों बाद मैंने रोटी पे हाथ लगाया है, मालूम है कल से अब मैं बिना फूली रोटियां खिलाऊंगी तुम्हें पापड़। क्या मतलब अभी तक फूली खिलाती थी तुम? और क्या, इतनी अच्छी रोटी बना के खिलाती हूँ, ऊपर से देखो आज दो रोटी क्या फुला दी, मतलब ये देखो टेंशन में आ गए। मैंने तो रोटी फुलाई फुलाई लेकिन अब तुम मुंह मत फुला लेना, समझे? मेरा मुंह ही फूलेगा अब तुम देखना, अब तुम्हें शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। मत मिले, हम खिचड़ी बना लेंगे, हमें खिचड़ी बनानी आती है। ठीक है ठीक है चलो। गाइस अब मैं खाना खिला रहा हूँ बच्चों के लिए, मैंने 4 से 5 रोटियां ही सेकी है, मैंने बच्चों के लिए वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं सेकी, मैंने तुम खुद सेक लेना, मुझे नहीं सेकना तुम्हारे लिए, ठीक है? बच्चों को मैं खाना खिला दूँ, उसके बाद इनको लेके जाऊँगा छत पे, फिर इनकी कुछ फोटोग्राफी करनी है, उनके कुछ फोटो क्लिक करने, क्योंकि इनके मुझे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं बड़े बड़े, और पढ़ाई भी करानी है, पढ़ाई भी करानी है, पढ़ाई बढ़ावा तो कराऊंगा, फोटो क्लिक करूंगा, ठीक है? फोटो क्लिक करके फिर इनको पढ़ाना है। यस पढ़ाऊंगा।